हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो इस वीडियो में करेंगे क्लास 12 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो सिंपली क्या करना है, फाइंड डी वाई अपन डी एक्स फाइंड आउट करना है किसका, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल वन। ओके, अब देखो सिंपली क्या करना है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, देखो कई लोग क्या करते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इसको डायरेक्ट वन लिख देते हैं। ओके, पर नहीं होता, क्यों, यहाँ पर थीटा क्या है, चेंज। ओके, तो थीटा हमें याद रखना होता है, यानी कि साइन स्क्वायर दिखा कॉस स्क्वायर दिखा इक्वल वन रखते हैं, गलत। ओके, तो यहाँ पर दोनों क्या है हमारा, एक्स और वाई अलग अलग थीटा है। ओके, तो नहीं लिख सकते, तो सिंपल क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई। ओके, इक्वल डिफरेंशिएट ऑफ वन। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे, क्या आएगा, डिफरेंशिएट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ओके, प्लस इसका भी अलग करेंगे तो डिफरेंशिएट ऑफ कॉस स्क्वायर वाई इक्वल। अब देखो वन का डिफरेंशिएट क्या होता है, जीरो, पता है ना, कांस्टेंट है वन, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट हमेशा जीरो होता है। ओके, अब देखो साइन स्क्वायर एक्स है तो इसका कितना हो जाएगा, टू साइन एक्स। ओके, अब साइन एक्स का डिफरेंशिएट चेन रूल लगेगी, याद रखना, होता है ना कि टू को आगे देखेंगे फिर साइन एक्स, यानी कि अगर एक्स स्क्वायर है तो क्या करते हैं, टू एक्स। ओके, फिर एक्स का भी डिफरेंशिएट करते हैं, याद हो तो, जैसे हम वाई स्क्वायर लिखो तो वाई का क्या होता है, टू वाई, एंड फिर वाई का डी वाई अपन डी एक्स। क्यों, क्योंकि वाई का भी हमने डिफरेंशिएट किया, ऐसे टू इसका आगे आ गया और साइन एक्स हो गया, अब साइन एक्स का डिफरेंशिएट। ओके, प्लस सेम टर्म यहाँ लगेगा तो टू कॉस वाई एंड कॉस वाई का डिफरेंशिएट। ओके, तो कितना आएगा, डिफरेंशिएट ऑफ कॉस वाई इक्वल जीरो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो टू साइन एक्स एज इट इज, साइन का एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा यहाँ, कॉस एक्स प्लस टू कॉस वाई। ओके, यहाँ देखो कॉस वाई का डिफरेंशिएट क्या होगा मेरा, सिंपल माइनस का साइन वाई। ओके, माइनस साइन वाई, और वाई का डिफरेंशिएट डी वाई अपॉन डी एक्स, चेन रूल लगाना याद रखना, इक्वल जीरो। एक्स का भी करते हैं बट एक्स का वन होता है इसलिए करके नहीं दिखाते। ओके, कंफ्यूज मत ना कि हम एक्स का नहीं करते वाई का करते, एक्स का भी करते बट एक्स का डिफरेंशिएट कितना होता है, वन, तो इसलिए नहीं दिखाते हम। अब देखो सिंपली टू साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, प्लस यहाँ देखो माइनस हो जाएगा ना, तो इसको माइनस लिखो डायरेक्ट, तो टू कॉस वाई साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल जीरो। इतना समझ आया, अब सिंपली क्या करना है, डी वाई वाले को एक तरफ बाकी सब एक तरफ। ओके, तो देखो माइनस टू कॉस वाई साइन वाई एंड डी वाई अपॉन डी एक्स, इस टर्म को इधर ही रखना, ये वाली टर्म इधर जाके क्या हो जाएगी, टू साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस का क्यों किया, क्योंकि इधर जाके माइनस हो जाएगी पॉजिटिव टर्म। अब देखो माइनस से माइनस को काट सकता हूँ यहाँ, ओके, टू से टू को मत काटना, क्यों, देखो यहाँ फॉर्मूला बना सकता हूँ मैं, टू साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकता हूँ ना, फॉर्मूला होते हैं मेरे, टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल साइन टू थीटा के बराबर। ओके, तो यही आइडेंटिटी यहाँ यूज़ करनी है, तो देखो क्या होगा, साइन टू वाई, क्यों, टू साइन वाई कॉस वाई। ओके, बस आगे पीछे उसे फर्क नहीं पड़ता, अपॉन में डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स सेम टू साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, थीटा दोनों का सेम है, तो अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा मेरा, साइन टू एक्स डिवाइड में साइन टू वाई, ये आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर। ओके, आई होप आपको समझ आ गया हो, कोई भी डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।